तो तसल्ली मिल गई ना तुझे। तू जो चाहती थी उसका नतीजा हम सबके सामने है। आज हमारी आई की आंखों में जो आंसू है उसका कारण सिर्फ तू है। आज हमारे बाबा की जो हालत है वो भी सिर्फ तेरी वजह से है। सुनने में तकलीफ हो रही ना तुझे, लेकिन अर्जु यही सच है। अर्जु आज तक जो तू चाहती रही तू वो करती रही और हम बर्दाश्त करते रहे, लेकिन आगे से हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अरे हम बर्दाश्त करें भी क्यों, जब तुझे हमारा ख्याल नहीं है तो हम भी तेरा ख्याल नहीं करेंगे। क्या तेरी सारी जिंदगी तो उस मानव के इर्द गिर्द घूमती है ना, वो मानव जिसे तू एक साल पहले छोड़ चुकी है, वो मानव जो एक पराई लड़के के साथ शादी करके अपना घर बसाने जा रहा है। तू उस मानव के लिए अपने आई बाबा और अपनी बहन की बसी बसाई जिंदगी उजाड़ना चाहती है। अर्जु क्या मिलेगा तुझे, तू बहुत महान बनना चाहती है ना। अर्जु तुझे जितना महान बनना है बन, लेकिन अपनी उस महानता के चक्कर में मेरे परिवार की बलि मत दे। अर्जु मेरे लिए महान बनने से ज्यादा मेरे परिवार की खुशियां हैं। तू तेरे और मानव के रिश्ते को पवित्र रिश्ता कहती है ना, लेकिन वो पवित्र रिश्ता मेरे परिवार के लिए फंदा बन चुका है। माफ कर, और अपने उस पवित्र रिश्ते का काला साया मेरे परिवार से हटा दे। तू समझ रही है ना मैं क्या कह रहा हूं। दादा आई आई बाबा कशी आई, हाँ कशी आई त्यांचे, आई आई तू रडू नकोस। It was a serious heart attack. Heart attack? नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है, अब वो खतरे से बाहर हैं। लेकिन इसके बाद आपको उनका पूरा ख्याल रखना होगा। किसी भी तरह का मानसिक तनाव उनके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। एक्सक्यूज मी। वर्षा बेटा हॉस्पिटल जाके ना फोन कर देना अगर किसी चीज की जरूरत है। हाँ पर हाँ ताई से बोलना ना मैं जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचने की कोशिश करूंगी। हाँ जी आई, आप टेंशन मत लीजिए। और आई आप ये मत सोचिए कि आई को बुरा लगेगा अगर आप नहीं आएंगे। आई को पता है कि बाबा को अकेला छोड़कर हम सब नहीं जा सकते। सच कहूँ तो बेटा उस घर में जो भी हो रहा है ना तुमसे देखा नहीं जा रहा है। कैसा हंसता खेलता परिवार था, क्या हालत हो गई है उसकी। और ये सब ना सिर्फ उस अर्चना की वजह से हो रहा है। मैं पापा से प्रार्थना करूंगी कि वो अर्चना को जल्द से जल्द सद्बुद्धि दें, उसे एहसास दिलाएं कि मानव उसकी जिंदगी में एक अपशकुन के अलावा और कुछ भी नहीं। इंसान अगर चाहे तो फितरत में एक गिरगिट को भी मार दे दे। मतलब देखो ना आई, जिस तरह गिरगिट हालात के अनुसार अपनी रंग बदलता है उसी तरह इंसान भी अपनी सुविधाओं के अनुसार अपनी राय बदलता है। इंसान के लिए कल तक जो मानो हमारे लिए एक अच्छा इंसान था, अरे भाई अपशगुन हो गया। हाँ तो क्या गलत कह रही हूँ बेटा, हाँ जो भी हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ मानव की वजह से हो रहा है सतीश। उसने उसके प्यार में इस कदर पागल हो गई है कि उसे समझ ही नहीं आ रहा कि सही क्या है गलत क्या। आई आई मैं जानता हूँ कि आप मेरे लिए बहुत अट्रैक्टिव हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सही और गलत में फर्क न कर पाए। कैसे हो? ठीक हूँ। मानव दरअसल मैं तुम्हें कुछ बताने आया था। वो
वो कल रात मैं अर्चना के घर गया था, वहां मैंने पता है मुझे अर्चना आई थी यहाँ पर, उसे सब कुछ बताया। मुझे यकीन था कि इतना सब कुछ होने के बाद अर्चना यहाँ जरूर आएगी, पर थोड़ा सा मानो जो हुआ अच्छा हुआ, अच्छा हुआ। इसी बहाने धर्मेश, जयवंत, सतीश का असली चेहरा सामने आ गया। अब तुम देखना देखना, उन्हें सजा जरूर मिलेगी। अब कोई फायदा नहीं। मतलब मैंने लिखकर दे दिया कि फैक्ट्री में जो दो मौतें हुई उसका जिम्मेदार मैं हूं। क्या दोस्तों? अरे क्यों क्या किया ऐसा? क्यों? तुम जानते हो मानो इसका अंजाम क्या हो सकता है? जानता। फिर भी तुमने क्यों मानो? क्यों? किस लिए? अर्चना के लिए। जरूर आया था मुझसे मिलने। वो कह रहा था कि अगर तूने साइन नहीं किया तो मैं अर्चना से की हुई सगाई भी तोड़ दूंगा, और मैं सिर्फ सगाई तोड़ूंगा ही नहीं, सबको सगाई तोड़ने की वजह भी बताऊंगा कि मेरे से सगाई होने के बाद भी अर्चना अपने पहले वाले पति से संबंध बनाए रखी थी। पर शायद अर्चना को भी यह बात पता चले। कैसे? तुमने बताया? नहीं, मैंने बहुत छुपाने की कोशिश की थी, लेकिन शायद शायद उससे समझ में आ गया। अजीत, मुझे बहुत डर लग रहा है। किस बात से? जयवंत की सच्चाई जाने के बाद अर्चना पता नहीं क्या कदम उठाएगी, पता नहीं क्या होगा। मैं गई थी जरा आई। वैसे भी तुम मुझसे एक सवाल पूछेगी, मैं तुझे उसके 10 जवाब दूंगी और फिर तुझे बुरा लग जाएगा। तूने जो काम किया है ना ताई, उसके बाद हम दोनों के बीच में बहुत दूरी आ गई है, और अब मैं इस दूरी को और बढ़ाना नहीं चाहती। तो बेहतर होगा हम कुछ बात ना करें। मिस्टर विनोद, आपके बाबा को होश आ गया है। एक मिनट, इससे पहले कि आप लोग अंदर जाए और उनसे मिले, वो सबसे पहले अर्चना से मिलना चाहते हैं। आप में से अर्चना कौन है? आप जाइए। जीवन के साथ शादी मत तोड़।
राहुल। देख बेटी, मैं तुझ पर कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा, और ना ही मेरी बीमारी का वास्ता देकर तुझसे कुछ मानवाने की कोशिश कर रहा हूँ। बेटी, मैं तो बस तुझे जीवन की सच्चाई बताना चाहता हूँ। अर्जुन, अपने हाथों की पांचों उंगलियां जैसे एक समान नहीं होती, उसी तरह इस दुनिया में कोई भी इंसान दूसरे की तरह नहीं होता। सामने आने वाले इंसान में तू अगर मानव को ढूंढने की कोशिश करेगी तो मुश्किल होगी बेटी। मैं मानता हूँ अर्जुन, जयवंत ने गलती की है। अरे लेकिन आम आदमी ही तो गलती करते हैं। मुश्किल की घड़ी में अगर हर कोई मानव जैसा सोचने लगे तो मानव और उसमें फर्क ही क्या है। बेटी, जब खुद पर बीतती है ना तो आम इंसान यही करते हैं। जयवंत भी तो उन्हीं लाखों करोड़ों आम इंसानों में से एक है, लेकिन बेटी ये वही जयवंत है जिसने तुझे तेरे अतीत के साथ अपनाया है। कहीं बुराइयां हैं, कहीं अच्छाइयां भी है। बुराइयों को अनदेखा करके अच्छाइयों के साथ आगे बढ़ना, इसी का नाम जिंदगी है बेटी। जयवन के साथ ये शादी मत तोड़ना बेटी, मत तोड़ना। जयवंत, काहे झालं? आई, मैंने एक फैसला किया। कैसा फैसला? आई तू सही करी थी, मैंने अर्चना से बहुत प्यार किया और उसे पाने के लिए मैंने सब कुछ किया। मैंने आई सब कुछ, लेकिन वो मेरी पत्नी बनने लायक नहीं, ना इस घर की बहू। आई, मैं आज में जीने वाला इंसान हूं, और जो औरत अपने बीते हुए कल से बाहर नहीं आना चाहती उसके साथ मेरा कभी नहीं जमने वाला। आई, मैं अर्चना के साथ कभी खुश नहीं रह सकता, और मेरे दुखी होने का मतलब है मेरे पूरे घर को दुखी करना। आई, हम सबके भलाई के बारे में सोचकर मैंने यह फैसला किया कि मैं ये सगाई तोड़ रहा हूं। अर्चो, अर्चो कहाँ जा रही है? बेटा, मुझे नहीं पता तुम्हारे बाबा ने तुमसे क्या कहा, लेकिन लेकिन हम सब तुम्हारी भलाई चाहते हैं। आई, आई मैं जानती हूँ, और मैं तुम्हारी खुशी का ख्याल रखने की पूरी कोशिश करूँगी। बस मेरी मेरी एक आखिरी जिम्मेदारी, वो मुझे पूरी करनी। मैं आती हूँ। ऑटो, आई मैं आती हूँ। अगर अर्चो, चली गई। अरे आप आ गए। हाँ जी। कहाँ जाना? मैं आपके लिए चाय बनाती। वही नहीं? आओ ना, आओ बैठो। अर्चना, सब ठीक तो है ना? मैं मानो से मिलने गया था, वहां पता चला कि तुम
वहां से परेशान होकर बाहर निकले हो, उसके बाद कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? नहीं, क्या हुआ? कुछ तो बोलिए। मुझे रसिका काकी से कुछ बात करनी। हाँ, आओ ना, आओ। कमाल है, मुझसे क्या बात करनी है? काकी, सिर्फ आप ही का सहारा, आप ही मानव को बचा सकती। अर्चना, मैं कुछ नहीं कर सकती। काकी, देखो, मानव को छुड़ाना अगर मेरे हाथ में होता तो मैं उसे कब का छुड़ा चुकी होती। शायद तुम नहीं जानती, मानव के जेल जाने से जितनी तकलीफ तुम्हें हुई है उतनी तकलीफ मेरे बेटे अजीत को भी हुई है। कितनी दिनों से ठीक से सोया भी नहीं है, दिन रात मेरी आंखों के सामने तड़पता रहता है। अगर मेरे बस में होता तो मैं मानव के लिए नहीं, मेरे बेटे अजीत के लिए जरूर उसे जेल से छुड़वाती। लेकिन अब बात बहुत आगे बढ़ चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता। काकी, काकी ऐसा मत कहिए प्लीज, कोई तो रास्ता होगा ना। देखो अर्चना, अजीत ने मुझे सब कुछ बता दिए है, जो पेपर्स तुम लोगों ने साइन किए थे। काकी, मेरा मतलब है धोखे से तुमसे साइन करवाए हैं, उसकी वजह से मानो पूरा फंस चुका है। लेकिन डिक्लेरेशन साइन करके उसने अपने हाथों से अपने आजादी के सारे रास्ते बंद किए हैं। मानो तो चारों तरफ से पूरा फंस चुका है, लेकिन एक धुंधला धुंधला सा रास्ता है उसके आजादी के लिए। मानो तो चारों तरफ से पूरा फंस चुका है, लेकिन एक धुंधला धुंधला सा रास्ता है उसके आजादी के लिए। लेकिन पता नहीं ये सब तुम कर पाओगी या नहीं। कर पाऊंगी काकी, मैं सब कर पाऊंगी। अब बताइए मुझे क्या करना होगा। तुम्हें मैनेजमेंट के खिलाफ कंप्लेंट करनी होगी, जिसमें तुम्हें सारी सच्चाई बयां करनी होगी। तुम्हें ये बताना होगा कि समय पर मशीन का ना बदलना ये मैनेजमेंट की गलती थी, इसलिए फैक्ट्री में जो एक्सीडेंट्स हो गए उसके लिए मैनेजमेंट जिम्मेदार है। साथ ही साथ तुम्हें यह भी बताना होगा कि मानव के खिलाफ जो डॉक्यूमेंट्स मैनेजमेंट ने दिए हैं वो गलत है और बिल्कुल झूठे हैं। अगर तुम ऐसा कर सकती हो तो मानव का केस हम खड़ा कर सकते हैं और उसके जेल से छूटने की उम्मीद रख सकते हैं। काकी, लेके एक मिनट अर्चना, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। मैं तुम्हें जो बता रही हूं उसका मतलब तुम समझ लो। मैं तुम्हें मैनेजमेंट के खिलाफ कंप्लेंट करने के लिए कह रही हूँ। मैनेजमेंट के खिलाफ कंप्लेंट, इसका मतलब है धर्मेश के खिलाफ कंप्लेंट। सतीश के खिलाफ कंप्लेंट, जयवंत के खिलाफ कंप्लेंट, यहां तक कि अपने आप के खिलाफ कंप्लेंट। अर्चना, कर पाओगे अपने बहनों के खिलाफ कंप्लेंट? कर पाओगे अपने होने वाले पति के खिलाफ कंप्लेंट? देखो अर्चना, घर की चार दीवारी में झगड़ा करना अलग बात है और पुलिस में, कोर्ट में लीगल कंप्लेंट दर्ज करवा लेना अलग बात है। अंजाम बहुत बुरा हो सकता है, सोच लो।